लीश थेरेपी। लीश थेरेपी क्या होता है आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लीश थेरेपी एक मेडिकली अप्रूव्ड प्रोसीजर होता है जो कि प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में किया जाता है। लीश थेरेपी एक बहुत फेमस प्रोसीजर है जो कि आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी किया जाता है और इसको एलोपैथिक में भी करते हैं। लीश थेरेपी में ऐसी क्या खास बात होती है और उसके क्या इंडिकेशंस होते हैं, यानी हम कब कौन से डिजीज में लीश थेरेपी को कर सकते हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लीच के सलाइवा में 100 बायो एक्टिव सब्सटेंस पाए जाते हैं और इन सब्सटेंस की जो खासियत होती है वो एंटीकोगुलेंट, ब्लड थिनर, वैसोडाइलेटर, एनेस्थेटिक और एंटीबायोटिक भी इफेक्ट रखता है। क्योंकि ब्लड थिनर होता है इसलिए इसको डायबिटिक पेशेंट में भी दिया जाता है क्योंकि उनका ब्लड थिक हो जाता है। इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि हीरोडीन होता है जो 10 मोर इफेक्टिव होता है पेरिन की बनिस्बत, इसलिए इसको डायबिटिक पेशेंट में भी देते हैं। चलिए अब जानते हैं हम कि इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, यानी जो लीश थेरेपी है उसको हमें कब करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले आता है वेनस कंजेशन, जहाँ पर वेनस कंजेशन होता है, जहाँ पर ब्लड बहुत ज्यादा जम जाता है, तो वहां पर लीश थेरेपी को हम कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, में सिस्टमिक एंटीकोगुलेंट इफेक्ट होता है जिसकी वजह से इसको स्ट्रोक में और हार्ट अटैक में भी लीश थेरेपी को कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है आर्थराइटिस और इसी तरीके से हाई ब्लड प्रेशर, हेमोराइड्स और बहुत सारे स्किन डिजीजेज में भी लीश थेरेपी को करते हैं। लीश थेरेपी एक बहुत उम्दा और फायदेमंद प्रोसेस होता है जिसको हमें बिना डरे करना चाहिए। लीश थेरेपी का प्रोसेस क्या होता है, किस में किया जाता है, ये सब हमने बताया। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।